Hey guys, welcome back to DNA Vlogs. This is Dipen from Pune. Right now I'm at Pirangut at my friend's place and at the backdrop जो ये बहुत बड़ी bike आपको दिख रही है वो है Benelli 600 GT. So मेरे friend की है, हमने taking delivery का video किया था इस गाड़ी का. तो last week एक छोटा सा issue हो गया. While he was riding एक छोटा सा bad patch बीच में आ गया और bike उसके ऊपर से गई, तो उसकी वजह से जो oil sump है उसमें एक उसको हिट लग गया एंड थोड़ा सा उसका एक हेयरलाइन टाइप क्रैक आ गया. तो थोड़ी देर में आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कौन सा पार्ट है, क्या क्रैक्स आए थे. और देन वी टुक आउट दी ऑयल सम्प, उसमें से निकाला हमने बाइक में से एंड उसको एक एल्यूमिनियम वेल्डर के पास लेके गए, वहाँ पर हमने उसको फिक्स करवाया. तो ये वीडियो आई हैव स्पेशली मेड फॉर यू गाइज. इफ़ यू आर ट्रैवलिंग समवेयर और आपके साथ ये इशू हो जाता है एंड इफ़ यू हैव अ सिमिलर बाइक या फिर आपके किसी और बाइक को भी सेम इशू आ जाता है, तो आपको सोल्यूशंस क्या क्या मिल सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, तो आप इस वीडियो को उस चीज़ के लिए फॉलो कर सकते हैं. नाउ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करने न भूलिएगा. वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि इंटरेस्टिंग रहेगा. यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स हियर एंड लास्ट में आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना एंड शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में. दोज हू राइड एंड ऑल, यू नो, दोज हू हैव मोटरसाइकिल्स एंड इफ यू लुकिंग फॉर सोल्यूशंस यू कैन शेयर दिस वीडियो. एंड देर आर सिमिलर लॉट मेनी DIY वीडियोज ऑन माई चैनल, यू कैन ब्राउज थ्रू दोज ऑल्सो. This is the metal crack that has happened from inside because of the impact that happened at the back side. Now we are here for aluminum welding. Let's see how we patch it out. We have cleaned the area with petrol right now and in some time we'll do the aluminum welding on this one. Starting the gas welding work. To naked eyes it is very very harmful. So they've cancelled the idea of spot welding. Now with the gas welding he's going to fill that up with the aluminum stick. He's going to melt aluminum and uske upar ek layer aa jayega. Melting the aluminum inside. पूरा वेल्डिंग एल्यूमिनियम, यू नो, फिल्ड इट इनसाइड, सब जगह से भर दिया है. इवन फ्रॉम बैक साइड इट इज फिल्ड कम्प्लीटली. इट इज टू हॉट राइट नाउ, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर चेक करते. राजू मोरे सर है, इन्होंने ये फिनिश करके भी दिया है, पूरा हेरल्डाइट वगैरह लगा के दिया अंदर फ्लैट करके एंड नीचे से ग्राइंडर से फिनिश करके पेंट भी कर दिया. तो ड्राई होने के बाद मैं फिर से आपको दिखाता हूँ. By the way, whenever you're keeping your engine open like this, make sure कि गाड़ी ऐसे पूरी ढकी हुई है, आसपास धूल बिल कुछ अंदर जाना नहीं चाहिए. From below the engine, अगर आप देखोगे अभी तो we have secured the engine very well because उसका sump जो है हमने निकाल दिया है. Sump ये रहा, सूख रहा है. We got the welding and all done yesterday. आपको मैं थोड़ी देर में clips दिखाता हूँ. तो it is drying now. It has taken more than 18-20 hours to dry. One reason was that excess थोड़ा ये चले गया था उस पर एरल्डाइट. तो विल फर्स्ट रिमूव ऑल दिस एंड वी हैव टू रिमूव द एग्जॉस्ट. पूरा निकालना पड़ा, लूज़ किया हुआ है. वी डिडंट ड्रॉप इट डाउन कम्प्लीटली बिकॉज ये जो सेंसर के वायर्स हैं दे आर ऑल हिडन. उसके जो सॉकेट्स है इधर किधर तो ऊपर है एंड वी डिडंट वॉन्ट टू ओपन ऑल दिस स्टफ, बहुत काम बढ़ जाता था. तो वी जस्ट ओपन द 8 बोल्ट्स ऑफ द हेडर्स एंड 1 बोल्ट हियर एंड 1 थोड़ा सा वो लूज़ किया था एग्जॉस्ट का. इतना लूज़ किया, वी टुक द एग्जॉस्ट आउट एंड देन वी गॉट एक्सेस टू ऑल द अदर बोल्ट्स एंड देन वी रिमूव द सम्प एंड टुक इट आउट. वन इशू
एज सुन एज आई रिमूव द ड्रेन बोल्ट, जो द एरलडाइट जो उन्होंने चिपकाया था, इट इज़ स्टिल नॉट ग्रॉन ड्राई आफ्टर 18 आवर्स एंड इट पील्ड ऑफ. पील ऑफ हुआ तो नाउ वी आर रिमूविंग इट कम्प्लीटली सो दैट इट डजन गेट स्टक एनी वेयर. दिस इज़ योर ऑयल सम्प का ऑयल पम्प, यू नो वेयर द ऑयल गेट सक्ड इनसाइड. तो इफ दिस गेट्स पील्ड ऑफ एंड गेट स्टक समवेयर देयर, योर इंजन इज गोइंग टू फेल बिकॉज ऑयल इज नॉट गोइंग टू रीच एवरीवेयर. सो आई क्लीन्ड द यू नो दिस चेम्बर कम्प्लीटली. जितना हो सके मैंने एरलडाइट नो जितना भी चिपका था छोटा 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 पीस करके सब निकाल दिया. एंड देन आई क्लीन्ड द चेम्बर विद दिस ब्रेक क्लीनर, मैगविन का है, आई हैड परचेज फ्रॉम एस के ऑटो केयर. तो पूरा क्लीन किया है, जितना भी डस्ट था वो निकाला है. एंड आई क्लीन्ड इट विद अ ड्राई क्लॉथ, इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई नाउ. आई अप्लाई सम गास्केट सीलेंट नाउ ऑन द कॉर्नर्स, पुट द गास्केट, फिर से एक सीलेंट का लेयर डालेंगे एंड देन विल फिक्स इट विद फोर बोल्ट्स फर्स्ट ऑन द बाइक, पहले ऊपर डाल देंगे एंड देन विल फिक्स द नट्स एंड ऑल, बाकी नट्स टाइट करेंगे. इसमें मारो किधर, थ्रेड लॉक मारू? निकाला मैंने पहला वाला और ये गया थ्रेड लॉक. सो वॉट वी आर डूइंग इज आगे प्रोग्रेस ये हुआ है, हमने उस पर क्या बोलते हैं गास्केट सीलेंट लगा दिया एंड जो सम्प है बॉडी पे वापस लगा दिया है. एक एक बोल्ट हम लोग जगह पे लगा रहे हैं, फुल टाइट अभी नहीं कर रहे हैं, एक बार सब बोल्ट जगह पे बैठ जाएंगे फिर उसको टाइट करना शुरू करेंगे. एंड वी आर ऑल्सो यूजिंग थ्रेड लॉक बिकॉज हमारे पास अभी पावर टूल्स है नहीं इधर फुल टाइट करने को. सो वी आर होपिंग मतलब एटलीस्ट वाइब्रेशन से वापस कुछ बाहर नहीं आना चाहिए, तो इसलिए वी आर यूजिंग दिस रेजिमेट थ्रेड लॉक. तो थ्रेड्स भी मतलब बोल्ट्स भी जगह पे टाइट बैठेंगे अच्छे से. सम्प इज कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड, उसको सब बोल्ट्स भी टाइट कर दिए. सम के बोल्ट्स टाइट करते समय मेक श्योर यू टाइटन ऑल्टरनेट बोल्ट्स ना, इसके बाद डायरेक्टली ये मत करना, फर्स्ट जगह पे ये डाल देना, फुल टाइट नहीं करना जगह पे, सो दैट देर इज़ नो गैप इन बिटवीन, नॉट फुल टाइट बट इट शुड कम इन प्लेस सो दैट देर इज़ नो प्ले डायरेक्टली. उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फिफ्थ, ऐसे ऑल्टरनेट करके पूरा राउंड मारने के बाद एक होने के बाद फिर ये करना टाइट करना शुरू करो सो दैट द सम गोज अप परफेक्टली. देर इज़ नो पिंच फॉर दी यू नो जो अपना पैकिंग वगैरह उसमें किधर पिंच ना है गैप ना है, सब परफेक्ट बैठेगा. और लास्ट में जब सब स्क्रूज जगह पे आ जाए उसके बाद यू कैन टाइटन वन 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 करके पूरा टाइट कर देने का. एक हाथ मारने के बाद सेकेंड हाथ और एक मार दो सो दैट मैन डूइंग इट होम या बाहर किधर खोल रहे हो तो एक डबल हाथ मार देना. पूरा फुल टाइट नहीं करना है, दिस इज एल्यूमिनियम कास्टिंग, ज़्यादा जोर लगाओगे तो ये कास्टिंग टूट भी सकता है. एग्जॉस्ट निकल गया है एंड नाउ वी रिमूव दी मतलब एग्जॉस्ट इज इंस्टॉल्ड एंड नाउ वी आर रिमूविंग दी ऑयल फिल्टर, क्योंकि वी हैव टू चेंज दी ऑयल ऑल्सो, मतलब ऑयल नया ही डाल रहे क्योंकि पुराने ऑयल में जब हम निकाल रहे थे तो उसमें बहुत बर था. सो ये पुराना बाहर आ गया, थोड़ी देर में वील क्लीन दी स्टफ अराउंड हियर एंड इंस्टॉल्ड न्यू ऑयल फिल्टर एंड ऑयल एंड देन आवर वर्क इज डन. वी आर यूजिंग जेन्यून ऑयल फिल्टर, ये मेरे टी आर के मैंने सर्विस की थी तो मैंने ऑयल चेंज नहीं किया था, मैंने बताया मेरे टी आर के वीडियो में. तो सेम फिल्टर न्यू वन ना, वी गोइंग टू यूज़ इट हियर. ऑयल भी एक्चुअली वही है मेरे टी आर के, मैंने डाला नहीं है कंपनी के सर्विस करने में बिकॉज माई व्हीकल का यूसेज हुआ नहीं था. सो वी गोइंग टू इंस्टॉल दिस ब्रांड न्यू ऑयल फिल्टर. ओके, ये पुराना और नया दोनों आइडेंटिकल है. सो बिनेली में यूजली सब ऑयल फिल्टर्स ना आर सेम फॉर ऑल बाइक्स. ऑलवेज वेन इंस्टॉलिंग न्यू ऑयल फिल्टर ऑलवेज फिल इट अप, थोड़ा तो डाल के रखने का उसमें. एंड जो इसकी रिंग है यू ऑल्सो वेटन दोस रिंग जो है पूरा ऑयल से लूप करके फिर बिठाने का सो दैट इट डजेंट गेट पिंच्ड एनीवेयर. सो यू कैन टेक सम ऑयल इन स्मॉल कप. ओके, ये इसको ऐसे लिपस्टिक लगाया जैसे लगा देने का, अच्छे से लगाने का, जेनरसली लगाओ, डोंट बी कंजूस. थोड़ा ड्रिप हो गया तो भी चलेगा बट इट शुड बी वेल ल्यूब्ड. ओके, एंड नाउ यू नीड टू फिक्स इट ऑन दी बाइक. एंड ये रोल होके अंदर चले गया, एक बार रोल हो जाए अंदर हाथ से पूरा टाइट कर लो जितना हो सके, टाइटन विथ हैंड एंड देन यू नीड अ स्पेशल टूल विथ विच यू टू टाइटन इट कम्प्लीटली. ओके, मैंने टूल गलत डाल दिया, ऐसे डालने का, उसको ऐसे टाइट कर दो
जब तक ये आपको फील आ जाएगा पूरा टाइट हो गया, पूरा ओवर टाइट भी नहीं करना है, एल्स इट थ्रेड खराब होके टूट के हाथ में आएगा। ऑयल फिल्टर एंड ऑल इज डन, सब टाइट हो गया सब जगह पे। लास्ट में एक हाथ फिर से मारेंगे। अभी हम यूज़ करेंगे बेनेली का जेन्युइन ऑयल, जो मेरे टीआरके में हमने यूज़ नहीं किया वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो ये डालूँगा अभी इस बाइक में। सो दिस इज़ द न्यू ऑयल एंड इट्स गोइंग इनसाइड। ओप्स, ऐसे पसारा करके बैठे हम सब एक जगह पे, थम्स अप एक जगह पे, WD-40 ये सब। अभिषेक स्टार्टर मार रहे, क्या हो गया, काहे नहीं मार स्टार्टर। यो गाड़े 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 गाड़े, ये एग्जॉस्ट बोल्ट टाइट करायचा राहिला। सो इट इज वार्मिंग अप नाउ, आइडलिंग पे सेटल होगा अभी थोड़ी देर बाद। विल चेक इफ देर आर एनी लीक्स और नॉट, अगर लीक्स नहीं है तो इंजन फिर से ठंडा होने देंगे और एक नट बोल्ट्स का हाथ पूरा मार दूंगा मैं, एंड देन वी शुड बी डन। बाइक रेडी हो गई है, अभिषेक ने भी चलाई, हमारे निंजा चाचा निखिल काले ने भी चलाई, संजय ने भी चलाई, अब मेरी बारी, एक बार मैं टेस्ट कर लूँ। 41,242 किलोमीटर्स हुए हैं बाइक के, एंड ये GT का सुख, सुपर्ब इंजन मैन। कुछ अनड्यू वाइब्रेशंस वगैरह किधर है क्या, हम एक बार चेक कर लेंगे, बिकॉज नेक्स्ट संडे वी विल बी ऑन रूट टू गोवा। सम 12 पीपल हैव रजिस्टर्ड, अभी तो हाँ बोला है 12 लोगों ने, देखते हैं कौन कौन आता है। इधर क्या है भाई, ट्रैफिक जैम, सम फंक्शन में भी। बाइक फील्स ऑल राइट, ओह अच्छा स्लोप है इधर। आई एम सो हैप्पी टुडे, आई वर्क ऑन अ 600cc इंजन, अच्छे से काम हो गया है सब कुछ। सो आई होप यू नो एवरी वन यू गॉट द राइट इन्फो, या फिर यू नो कुछ हेल्प मिल गया आपको इन्फॉर्मेशन। इफ योर बाइक गेट स्टक समवे समडे, तो यू कैन यूज़ ऑल दीज स्टेप्स व्हाट आई शोड। तो जहाँ पे हमने एल्यूमिनियम वेल्डिंग किया, इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट एल्यूमिनियम वेल्डिंग, इमरजेंसी में यू कैन इवन फिल एराल्डाइट, पूरा वो जो ये था अपना जहाँ पे एल्यूमिनियम वेल्डिंग किया था, आपको क्रैक वाले में फोटोज़ दिखाई दूंगा, तो उसमें यू कैन फिल इट विथ एराल्डाइट, उसको ड्राई कर देने का 2-3 घंटे। हमारा तो एराल्डाइट निकालना पड़ा बिकॉज इट वाज हार्डनर वगैरह ठीक से मिक्स नहीं किया था। सो वो जगह पे यू नो इफ यू फिल दी एराल्डाइट, अगर सिर्फ माइनर क्रैक है तो ऑयल विल स्टॉप कमिंग आउट, लेट इट ड्राई, ड्राई होने के बाद सब लगा दो फिर से, एंड यू शुड बी रेडी टू गो। अगर होल वगैरह भी कुछ हो जाता है तो यू कैन फिल इट अप विथ एमसील। आप है ना कुंदन का वीडियो चेक कर सकते हैं, मैं कुंदन का वीडियो का लिंक आई लीव इट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, उसकी TRK एक बार अटक गई थी एक जगह पे, तो यू कैन चेक दैट। वो एटलीस्ट आज तक ही स्टिल ड्राइविंग दिस TRK विद दैट एमसील फिल इनसाइड। तो समाप्त करता हूँ वीडियो, यहाँ पे एंड करता हूँ। निखिल काले सस्पेंशन चेक कर रहे हैं, एंड यस लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो, एंड इफ यू न्यू ऑन माय चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज दीपेन फ्रॉम पुणे, एंड विल सी यू इन अ न्यू वीडियो वेरी सून।